नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, एक इसका जो साइज है, ये कुर्ती काट रहा हूँ ना, ये कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ती जो होती है, जींस टी शर्ट किसी के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो इसमें मैं छोटे कॉलर लगाऊंगा और साइड से गोल रखूंगा। इसका नाप है 42 इंच इसका सीना है, 42 इंच इसका पेट है, 33 इंच इसकी लंबाई रख रहा हूँ, 18.5 इंच इसका शोल्डर है और 17.5 इंच कॉलर इसका मोटा है, 17.5 इंच इसका कॉलर रख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों शुरू कर रहा हूँ मैं, इसमें कफ भी लगा देंगे, थोड़ा रेडीमेड लुक आ जाएगा। सबसे पहले जो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा है, डबल अर्ज का ये कपड़ा है, सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से एक सामना इधर से आ जाएगा, हमारा बैक इधर से आ जाएगी। सबसे पहले इसको हम बराबर ही फोल्ड कर दे रहा हूं मैं, सॉरी। ये देखिए, इसको लगभग अर्ज के बराबर मैंने चौड़ा कर लिया है। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक निशान लगा देता हूँ, 33 इंच की 33 इसकी लंबाई रख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका निशान लगा देता हूँ। ये देखिए, और यहां से मैं इसमें करीब 1.25 इंच का एक निशान और लगा दे रहा हूं। ना तो ये मुड़ेगी, एक पैर की थोड़ी सी चौड़ी मुड़ेंगे इसको हम, हल्का यहां से मैं राउंड भी कर दूंगा। यहां से देखिए 33 इंच की लंबाई है, 1.25 इंच छोड़ के हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं, ये 33 है, तो 1.25 इंच मैंने इसकी ज्यादा ऊपर निशान लगाया, 0.5 इंच दबेगा, लेकिन मैंने 1.25 इंच रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.34 यहां से भी हमने इसका 1.34 इंच रखा है। बुड्ढा कितना गिराना है, तो ये हमारा गुरु है, यहां से निकाल लो। 42 इंच का सीना है तो 21 पे रखो, 21 दूनी 42, और यहां से 6 इंच प्लस करो, 20 इंच आ गया। तो हर जगह से स्केल हमारा 20 आएगा, 20 के हिसाब से 10 इंच इसका मुड्ढा। कुर्ती है थोड़ी लूज मांग रहा है तो 10 इंच रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंच में मैंने एक निशान लगाया है, ये ज्यादा फिटिंग का भी नहीं रखना है। और यहां से 7 इंच इसका एक हमने कमर का निशान लगा दिया है, ये देखिए। अब इन निशानों को हम सीधा उठा लेंगे, ये देखिए उठा दिया मैंने। अब दोस्तों 42 इंच का सीना है तो 42 का चौथाई होता है 10.5 इंच, 10.5 इंच पे एक हमने निशान लगाया है, ये देखिए, और 1.5 इंच मैंने इसमें आगे प्लस कर दिया है। ऐसे 42 इंच का पेट है, 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, 1.5 इंच मैंने इसके आगे रख दिया है, ये सीधा ही रखेंगे दोस्तों। ये आया हमारा 12, ये 12 मैंने एक निशान लगा दिया है। तो दोस्तों इसका तीरा है 18.5 इंच, इसमें कॉलर लगेगा, इसमें अगर ये बैन पट्टी वगैरह लगती तब हम इसमें मार्जिन नहीं रखते, इसमें कॉलर लगा रहा हूँ मैं, छोटे कॉलर लगा रहा हूँ 1.5 इंच के। तो ये देखो 18.5, 9 और 0.5 इंच इसमें मैंने ये मार्जिन लग दिया है। ये आया हमारा 10.5 इंच, 10.5 इंच पे एक निशान ये लगाया मैंने, इस निशान को मैंने सीधे ये उठा दिया है, और यहां से 1.25 इंच मैं इसे गिराऊंगा, और इस निशान को थोड़ा सा, ये 1 इंच नहीं हुआ है, 1 इंच पूरा कर लेते हैं, तख्ती एकदम साफ आएगी इसकी। और ये मैंने इसका मुड्ढे का शेप दे दिया है। अब दोस्तों इसको थोड़ा शेप दे देंगे, यहाँ पे है तो बराबर ही, सीना और पेट इसका बराबर है, लेकिन फिर भी ये गोलाई दे देंगे इसमें हम, ये देखिए ये गोलाई मैंने इसकी दे दी है, और इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे। अब दोस्तों इसमें मैं गोलाई भी दे रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा रेडीमेड, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की गोलाई दे रहा हूँ इसमें मैं, और यहाँ पे इसमें मैं चाक भी खोल रहा हूँ, ये करीब 1.25 इंच के इसमें मैं चाक खोलूँगा, यहाँ तक आ जाएंगे वो। ये एक पॉकेट इसमें फ्रंट में लगाएंगे हम,
लगभग सवा 2 इंच मैंने छोड़ा है और 5 इंच बाई 5.5 इंच की एक हम इसके पॉकेट लगा देंगे। ये देखिए, अब हाला देखिए, ये हमारा स्केल 20 आया इसका, तो यहां से 20 रख दीजिए आप, नीचे से भी ये आप 20 रख दीजिए, स्केल जो बता रहा है ये देखिए, और इस निशान को आप उठा लीजिए, ये बिल्कुल सही आएगा। डेढ़ इंच नोक कॉलर ये भी मैंने लिख दिया ताकि कारीगर बैन पट्टी ना चढ़ा दे। अब इसको मैंने ये मिला दिया है, देखिए ये दोस्तों इसका हाला, ये आपको लग रहा होगा कि ये गहरा हो गया, लेकिन दोस्तों इसकी गर्दन थोड़ी मोटी है तो इसका हाला इसे डीप ही चाहिए ताकि ये जब कॉलर वो बंद करे तो फंसे ना। यहाँ पे मैंने बड़ा ही काटा है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा डीप है, नहीं है ज़्यादा डीप। सामने मेरे इस कुर्ती के कट गए हैं। अब दोस्तों इसकी मैं बैक काटने जा रहा हूं, इसी कपड़े को हम पलट देंगे। ये देखिए आप, पलट लेता हूं कपड़ा इसमें, ये देखिए इस कपड़े को हमने ये पलट दिया है। चौड़ा पीस बच जाएगा इसमें, कॉलर आ जाएगा इसमें से। अब इसमें हम तीरा लगत भी काट सकते हैं, इसमें हम तीरा अलग से शर्ट की तरह भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसी में तीरा ज्वाइंट काट देता हूं। देखिए ये हमने इसको ये फैला दिया है, ये देखिए ये देखिए, सबसे पहले एक यहां से 1.25 इंच आगे निशान लगा लीजिए, ये बैक हमारी यहां से बाहर आएगी। यहां से एक निशान लगाते हैं हम 2.25 इंच पे, और यहां से एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पे। अब दोस्तों यहां से 1 इंच नीचे इस निशान को सीधे कर लेता हूं मैं, ये देखिए यहां से 1 इंच नीचे, 1.25 इंच नीचे हमने निशान लगाया, और इस निशान को हम जितना हमने ये गिराया है ये 20 पे लगाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए ये हमारी टीक का निशान हो गया, और इस निशान को हमने यहां मिला दिया। अब यहां से नाप लीजिए आप तीरा, देखो इसके और इसके बीच में लगाऊंगा मैं निशान, ये विशेष तौर पे देखिएगा कुर्ते में, इस तरह की कुर्ती में जिसमें लगा तीरा होता है टीक का बहुत बड़ा रोल रहता है, नहीं तो कोई कुर्ता खड़ा हो जाएगा अजीब अजीब सी, मतलब ये चीज बिल्कुल सही आनी चाहिए। 18.5 हमारा तीरा है, ये हो गया 9.25 और 0.5 इंच हमने दबाव का रख दिया इसमें, तो ये आ गया 10.5 इंच। यहां तक केवल 20 तक लेंगे इस निशान को हम। अब इस निशान को हम यू इन तारों में जाएंगे इस तरीके से, अब आया सही है, इस निशान को हम बाहर को लेंगे तभी ये पलट के सही आएगा, ये देखिए, और इस निशान को हम ये 1.25 इंच जो हमने बढ़ाया है ऐसे लेंगे, क्योंकि खड्डा हमेशा सामने में होता है बैक में नहीं होता है। ये दोस्तों अब यहां से लगभग हम 1.25 इंच इसको ऊपर लेंगे,
ये बैग भी हमारी देखिए कट गई है। इसको मैं बड़ा कपड़ा बहुत है इसलिए मैं बराबर काट दे रहा हूं। और अब मैं इसको यहां से ये करीब 1.5 इंच ये दोस्तों इसलिए काटी जाती है नहीं तो ये पीछे को लटक जाएगा। ये देखिए अब इसको हम साफ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों अब यहां से हम आगे से आस्तीन ले लेंगे। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा बचा है इसमें। उसका कारण ये है, ये देखिए कि बैग बड़ी थी ना इसकी, इसलिए अब इसको ये हमने यहां मिला दिया है और ये मैं बिल्कुल सही ढंग से इसको फोल्ड कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए जो सीखने वाली इसमें कहानी है, हमने इसका मुड्डा काटा 10 इंच, सही नहीं बैठ रहा, अब सही है ये। हमने सामने का मुड्डा 10 इंच गिराया था तो इसको जो हम ये फोल्ड करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये ऊपर से जहां से हमें लंबाई रखनी है, देखिए जो मैं बताता हूं उसको समझा कीजिए, यहां से मैं इसको 10 इंच रख रहा हूं ऊपर से, ठीक है। अब ये जो नीचे हम डाउन करेंगे यहां से रखूंगा मैं 9.5 इंच, ये देखिए लगभग ये 4.25 इंच मैंने डाउन करा है और इस निशान को हम ये मिला देंगे। अब दोस्तों मैं इसमें 1.5 इंच के कॉलर लगा रहा हूं तो 1.5 इंच के मैं छोटे छोटे कफ लगा देता हूं इसमें, चकोर कफ लगा देंगे। तो ये देखिए ये 3.5 कितनी है आस्तीन इसकी, कहां गई, 25 इंच इसकी आस्तीन है। तो ये 25 इंच में मैंने इंच टेप रखा, ठीक है दोस्तों। तो 1.25 इंच मैं कम कर रहा हूं यहां से बस, क्योंकि 1.5 इंच के कफ आ जाएंगे बहुत है 1.25 इंच। अब इसको स्केल को हमने ये रखा, यहाँ सीधे तार मिलाए और इसको यहाँ से 1.25 इंच इसको क्रॉस कर दिया, 1.25 इंच, और इस निशान को ये उठा दिया। और दोस्तों यहाँ से मैं करीब 6.25 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ, 10 इंच के कप तैयार आ जाएंगे इसमें। और ये मैंने ये मिला दिया है यहाँ पे दोस्तों, लिख भी दे रहा हूँ 1.5 इंच चौड़े चकोर कफ। अगर नहीं लिखा मैंने तो पता लगा उसने काफी बड़े लगा दिए तो आस्तीन लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी देखिए मैं कटिंग कर दे रहा हूं, ये आस्तीन की मेरी कटिंग हो गई है। तीरा इसमें कटेगा नहीं, तीरा अगर लगाना चाहेंगे तो इसमें चकोर तीरा ऊपर से मैं निशान लगा दूंगा, कारीगर लगा लेगा इसमें, ऊपर से ही चिपक जाएगा तीरा उसमें। अब 1.5 इंच का इसमें हम सामने के 2 पल्लों में खड्डा दे देंगे लगभग यहां से 1.25 इंच इधर तक बस। और ये देखिए ये मेरी आस्तीन कट गई है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के पास मेरी जाती रहे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बोलने में एनर्जी काफ़ी लगती है। तीसरी वीडियो अभी अभी मैंने बनाई है, एक वीडियो रोज 1-2 दिन छोड़ के डाल देंगे ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं। सीरियल नंबर है इसका 4564, ये देखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।